करण जौहर फिलहाल सोशल मीडिया पर इतने खास एक्टिव नहीं है और आने वाले टाइम पर भी वो इनएक्टिव ही रहे इसकी कोशिश शुरू हो चुकी है। करण जौहर के कॉफी विद करण को बैन करने की डिमांड शुरू हो गई है। एक ऑनलाइन पेटिशन शुरू किया है जिसको लाखों में लोग साइन कर चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि शो को बैन कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस शो में कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और सुशांत सिंह राजपूत मामले में तो शो की काफ़ी सारी क्लिप्स वायरल हुई जिसमें करण जौहर सुशांत का नाम ऐसी जगहों पर लेता था जिससे उनका मजाक बनता हो और वहां पर आने वाले सेलिब्रिटीज भी ये कहते थे कि कौन सुशांत। इतने सालों से सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसी इंडस्ट्री के एक्टर्स जो एक्टिंग के मामले में उनके आसपास भी नहीं टिकते थे, हाँ बस वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे इसीलिए उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। उन्होंने तक आके कहा कि कौन सुशांत सिंह राजपूत। तो इस शो से काफी लोगों को आहत पहुंची है। इस शो का जो कॉन्सेप्ट है और शो में जो भेदभाव किया जाता है कि सिर्फ बॉलीवुड के ए लिस्टर्स को बुलाया जाता है, जो अपने ग्रुप के लोग होते हैं जिनके साथ करण की जमती है, जिनके साथ करण फिल्में करते हैं और जो उनकी पार्टीज अटेंड करते हैं, उन्हीं सेलिब्रिटीज को शो में इन्वाइट किया जाता है, वरना जिन लोगों को करण पसंद नहीं करते हैं उन लोगों को इस शो में अलाउ भी नहीं किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोविंद आज तक कॉफी विद करण में नहीं गए। आपने ये भी सुना होगा कि काबिल फिल्म के टाइम पर जब इस फिल्म को प्रमोट करना था तो करण ने यामी गौतम को शो पर आने से मना कर दिया था क्योंकि वो इतनी पॉपुलर नहीं है। करण ने सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन को ही शो पर बुलाया। इस तरह की बातें जब इस शो से सुनने को मिलती है तो लोगों को आहत पहुंचती है और अब करण के शो को बैन करने के लिए लोगों ने ये नई मुहिम छेड़ दी है। एक यूजर ने इस लिंक को शेयर करते हुए कहा कि एसएस आर्यंस प्लीज इस पेटिशन को शेयर करो, करण जौहर बकवास स्टोरीज और शोज बनाता है। तो दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे की जो पिक्चर्स आई थी आप वो भूल गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद करण जौहर की ब्रांड वैल्यू पर बहुत गजब तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। उनको लेकर कई सारी बातें आई सोशल मीडिया पर जो कि उनके खिलाफ थी। हाल ही में मधुर भंडारकर ने करण जौहर पर उनका टाइटल चोरी करने का आरोप लगाया, कहा कि मना करने के बावजूद करण जौहर ने बॉलीवुड वाइव्स नाम का जो ये टाइटल है चुरा लिया और मधुर को बिना बताए यूज भी कर लिया, उसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया। क्या लगता है आपको, क्या इस पिटीशन के साइन करने से करण जौहर, जिसके लिए कहा जाता है कि बहुत पावरफुल है, लोग ये शो बंद करवा पाएंगे या फिर करण जौहर इस शो को लेकर आएंगे लेकिन कंसेप्ट थोड़ा चेंज कर लेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।